मानवी जीवनातील वास्तवावर भाष्य करतानाच राजकीय सामाजिक परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या हिंदी भाषिक हास्यकवींनी आणि रसिकांनी मदमुराद हसवतानाचा विचार करायला लावणारे संदेशही दिले. पुणे फेस्टिवलमध्ये शनिवारी हिंदी हास्य कवी संमेलन नुकतेच पार पडले. पावसाची रिमझिम सुरू असताना गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे प्रेक्षक हास्य लहरींनी सुखावत होते. खडकी खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष सदस्य मनीष आनंद, सदस्य पूजा आनंद आणि पुणे शिक्षण मंडळाच्या माजी अध्यक्षा संगीता तिवारी यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कवी पद्मिनी शर्मा, मीनाक्षी भालेराव यांनी आपल्या शैलीत विविध कविता सादर केल्या. पाहूया या कवींची खास झलक. हिंदुस्तान ने 95% चांद को छू लिया और अभी भी वो बैटरी डाउन हुई है. एक दो दिन में खबर आ जाएगी कि चंद्रयान अपना काम पूरा कर रहा है. चार पंक्तियां आपको देता हूं, आपके कलेजे में जाकर ठग से लग जाए तो ऐसी तालियां बजाना जो इस्लामाबाद तक सुनाई पड़ जाए. दुनिया पेड़ उगाने बैठी, दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए. सब नाली में मुंह धोए हम गंगा जल तक पहुंच गए. ओ नापाक, ताली वाली तो आगे. दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए. सब नाली में मुंह धोए हम गंगा जल तक पहुंच गए. ओ नापाक पड़ोसी सुन ले अपनी करतूतों से तू. काश्मीर तक पहुंच न पाया हम चंदा तक पहुंच गए. पोकर का टेंशन आदमी कहीं से भी ले लेता. आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता. ओहो, हाँ मेरे चाचा जी मर गए. भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई. धीरे धीरे ही समझ में आएगा. पूरा खानदानी चक्रम है. मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है. मेरी बातों पे आदमी तीन बार हंसता है. पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा उसको देख के हंसने लगता है. दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है. और तीसरी बार अकेले में यह सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था यार. हंसी आए चाहे नहीं हंसते रहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हंसने की कला सिर्फ इंसान को दी है. इनको रोज एक प्रश्न का सामना करना पड़ता है और ये भी सुनते हैं कि ये तो मैं मिली हूं जो निभा रही हूं. आपकी तालियां बजाती हैं कि सबके घर में यही दशा लगी पड़ी है. ये तो मैं हूं जो निभा रही हूं. अगर कोई टेढ़ी मिलती तब तक वो कब का चली गई होती. रात को जब वो देवी निद्रा में होती है तो पति उसको बड़े ध्यान से देखता है कि अगर ये सीधी है तो भगवान जाने टेढ़ी कैसी होती होगी.